हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बीयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ये तो बीएससी लेवल की रिएक्शन हैगी, तो पेपर के अंदर आ सकती है बिकॉज पेपर का लैवल बिल्कुल हाई चला गया है। जे आप गल करिए लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आते थे एल्डोल कैनिजारो, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन तो आते हैं, बट इस साल जो क्वेश्चन आए हैं वो बैकमैन रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है, नोवेंजल कंडेंसेशन होगी उस तो आए हैं, मतलब वो लैवल की कर रहा है पेपर का अप हो रहेगा। तो इसलिए अपन जिन्हें बी एस सी के रिएक्शन ने वो सारी कवर करनी पैनिया ने, तो उसकी सीरीज से अपन सैकेंड रिएक्शन डिस्कस करते हैं, दैट इज़ बीयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बीयर विनेगर ऑक्सीडेशन के अंदर की होंगे अपने को बेसिकली जोड़े कीटोन्स होंगे ने उसका कन्वर्जन होंगे अपने को एस्टर के अंदर, जोड़े अपने को साइकलिक कीटोन्स होंगे ने, साइकलिक कीटोन्स होंगे ने उन्हों का कन्वर्ट होंगे साइकलिक एस्टर के अंदर, तो साइकलिक एस्टर आप बोल देंगे लैक्टोन्स बोल देंगे। उस तो इलावा जे अपने को डाइकीटोन हो उसका कन्वर्जन होंगे अपने को एनहाइड्राइड के अंदर, ठीक है। किस तरह के फंक्शनल ग्रुप होंगे ने वो आप सारे डिस्कस कर देंगे। चलो पहले आप बेसिक जहाँ आइडिया ले लें फंक्शनल ग्रुप्स का, वैसे सब नू आते होंगे बट एक बार रिविजन परपज़ तो आप इन्हों डिस्कस कर देंगे। जिस तरह मेरे को सी डबल बॉन्ड ओ होंगे गा, इसको आप बोलते हैं कार्बोनल ग्रुप। जे इस दे एक साइड आर हो, आर मतलब कोई भी अपने को, ठीक है, अलकाइल ग्रुप हो सकता है सी एच थ्री, ठीक है, इथाइल हो सकता है, कोई भी अलकाइल ग्रुप हो सकता है अपने को। दूजी तरफ जे एक एच प्रेजेंट हो, इसको आप बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप में की बोल देंगे एल्डिहाइड। जे दोहे तरफ अपने को अलकाइल ग्रुप प्रेजेंट हो सी डबल बॉन्ड ओ दे, इसको आप बोलते हैं कीटोन्स। क्लीयर है बी। नैक्सट जे आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ दे एक साइड ओ एच ग्रुप लगे हो, इसको आप बोलते हैं कारबोक्सिलिक एसिड। जे अपने को सी डबल बॉन्ड ओ दे नाल ओ आर ग्रुप लगे हो, फिर एक आर ग्रुप है, इसको आप बोलते हैं एस्टर ग्रुप, ठीक है। हुण देखो एनहाइड्राइड का की मतलब होंगे, एनहाइड्राइड का मतलब होंगे किसी चीज़ चो वाटर मॉलिक्यूल नू एलिमिनेट करना। देखो मेरे को एक कारबोक्सिलिक एसिड हैगा, सेम मैंने दूसरी यूनिट ली कारबोक्सिलिक एसिड की, ठीक है, मैंने दो यूनिट्स लिया कारबोक्सिलिक एसिड दी, तो इन्हों के अंदर मैंने की किया एक वाटर मॉलिक्यूल नू एलिमिनेट करवाता, और मैंने की किया एक वाटर मॉलिक्यूल नू एलिमिनेट करवाता, तो अपने को किस तरह ग्रुप बन के आएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है। इस ग्रुप में आप बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्लीयर है। तो बेसिक जो आइडिया से जो आप पता होना चाहिए सगा। उस तो इलावा जो आप गल करिए इस तरह के कीटोन, ठीक है, इसको आप बोलते हैं साइकलिक कीटोन्स। इसको की बोलते आप साइकलिक कीटोन्स, मतलब कीटोन की हैगा रिंग की फॉर्म के अंदर हैगा। उस तो इलावा जो अपने को एक ऑक्सीजन आ जाए इस तरह के, ठीक है, वैसे कि ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर टाइप ग्रुप है, मतलब एस्टर ग्रुप है, जो ये साइकलिक फॉर्म के अंदर होंगे साइकलिक एस्टरस में आप बोल देंगे लैक्टोन्स बोल देंगे, साइकलिक एस्टरस में बोल देंगे लैक्टोन्स बोल देंगे, साइकलिक एस्टरस। क्लीयर है। हुण आपां नूं बेसिक दे फंक्शनल ग्रुप्स का आइडिया होना चाहिए सी, तां ही आपां ईजली की स्टडी कर पावांगे बीयर विनेगर ऑक्सीडेशन स्टडी कर पावांगे। हुण इस रिएक्शन च जिहड़ा रिएजेंट यूज होंदा गा, मतलब किस दी प्रेजेंस होंदी है रिएक्शन, किसी भी पर एसिड की प्रेजेंस होंगी है, किस की प्रेजेंस होंगी है पर एसिड की प्रेजेंस होंगी है। पर एसिड्स केड़े होंगे ने जिन्हों के अंदर ओ ओ लिंकेज प्रेजेंट होंगी है, ठीक है, इसको आप लिंकेज बोल देंगे पर ऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज जिन्हों के अंदर प्रेजेंट होंगी है उन्होंने आप बोलते हैं पर एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी ओ थ्री एच, मतलब ओरिजिन का स्ट्रक्चर देखिए सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ फिर ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन फिर एच, ठीक है, ए वाला लिंकेज प्रेजेंट है इसलिए इसको आप बोल देंगे पर ऑक्सी बॉन्ड। उस तो बाद आप डिस्कस करिए सी एच थ्री, ठीक, कोई भी हो सकता अपने को, जैसे आप बेंजीन रिंग ना ले लिए, ठीक, सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच, ठीक है, जो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होंगे गा तो इसको आप बोल देंगे पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, कोई भी आप परोक्सी ले सकते हैं। उस तो इलावा आप कुछ और डिस्कस कर देंगे, जिस तरह मेरे को H2SO5 होंगे गा,
ठीक है। H2SO4 की होंगे अपने को कैरोज एसिड होंगे, कैरोज एसिड ठीक है। ये की एक प्रोक्सी ठीक है बॉन्ड रख देगा, जिसका स्ट्रक्चर देखिए एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच ठीक है। उरे की होंगे अपने को ओ एच ठीक है। उरे भी की प्रेजेंट है पर ऑक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ये भी की हो गया पर ऑक्सी एसिड हो गया। उस तो अलावा एक फेमस होंगे MCPBA ठीक है ना, बुक के अंदर इस तरह लिखा होंगे MCPBA ठीक है। इसका की मतलब होंगे मैटाक्लोरो मैटाक्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। देखो अपने को पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड कड़ा सी ये वाला स्ट्रक्चर सीगा ठीक है। ये वाला की सी अपने को पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड सी, इस दी ए वाली पोजीशन ऑर्थो, ए वाली पोजीशन मैटा। जब मैटा पोजीशन से सी ए लग गया होंगे तो इसनों आप बोलते हैं मैटाक्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, तो शॉर्ट से इसनों आप लिखते हैं MCPBA ठीक है। तुम्हें कई रिएक्शन के अंदर देखा होगा MCPBA लिखा पाया होंगे गा, वो बेसिकली की होंगे गा मैटाक्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड होंगे गा। तो इसकी प्रेजेंस कि रिएक्शन होंगी अपने को बीयर बिलीगर ऑक्सीडेशन होंगी है। उस तो अलावा MCPBA की प्रेजेंस एक होर रिएक्शन होंगी है जिसनों आप इपोक्सीडेशन बोलते हैं, वो भी आप अगली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। हुण देखो इस रिएक्शन च हुंदा की है कीटोन का कन्वर्जन किस च हुंदा गा, एस्टर च हुंदा है। चलो आप डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म ठीक है। मैंने कोई कीटोन ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई पर ऑक्सी एसिड की प्रेजेंस च ठीक। कोई भी ले लो, सपोज मैंने CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच ले लिया ठीक है। मैंने की ले लिया पर ऑक्सी एसिड ले लिया। हुण देखो इसनों पहला तो डिसोशिएट करवा लो आयंस के अंदर ठीक है। देखो उरे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो उरे मैं बॉन्ड शिफ्ट करवा देना, उरे नैगेटिव चार्ज बना लेना तो उरे पॉजिटिव ठीक है। कई बुक्स के अंदर कई सारे मैकेनिज्म ने, आप बिल्कुल सिंपलेस्ट वे वाला मैकेनिज्म पढ़ेंगे सो दैट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन सके। हुण देखो उरे भी कार्बन ऑक्सीजन तो नैगेटिव, हाइड्रोजन तो की है पॉजिटिव। हुण ऑपोजिट काम करना है, जिहड़ा अपने को रिएजेंट का नैगेटिव है ये पॉजिटिव ना अटैच कर दो, जिहड़ा इहदा पॉजिटिव है अपने रिएजेंट के नैगेटिव ना अटैक कर दो। तो अपने को बनेगा आर ठीक है सी ठीक है, ओदे नाल की लग जाएगा एच लग जाएगा ठीक है इस वाला। तो नाल अपने को बन जाएगा आर डैश है ही है, तो नाल की बन जाएगा ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। मतलब अपने बेसिकली ए वाले ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के नाल की करता जॉइन करता। हुण देखो अपने को माइग्रेशन होएगा, किस ग्रुप का माइग्रेशन होएगा, सपोज मैं आर डैश का माइग्रेशन करवा देना ठीक है। माइग्रेशन किस तरह करवाना है वो भी आप डिस्कस करेंगे। सपोज चलो मैंने आर डैश का माइग्रेशन करवाता ठीक है, तो अपने को ए वाला ग्रुप की कर देगा लीव कर देगा, तो अपने को प्रोडक्ट की बन के आएगा आर सी के उपर की आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि सी का बॉन्ड ब्रेक होया, उस तो उपर ओ एच लग्या होया तो नाल की लग गया ओ आर डैश ठीक है ना। नैक्सट स्टेप के अंदर की होएगा ऑक्सीजन के लोन पे रहेगा ठीक है, कार्बोकोटाइन स्टेबलाइज कर देगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव ओ आर डैश। तो सिंपली अगले स्टेप च एच प्लस रिमूव हो जाएगा तो अपने को बन के आएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश ठीक है ना। इस तरह किसका फॉर्मेशन हो गया, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया ठीक है। चलो ये तो आप मैकेनिज्म सिर्फ नॉलेज लिए स्टडी किया कि अपने को आर डैश का माइग्रेशन होया, बट शॉर्ट ट्रिक ठीक है किस तरह इसके प्रोडक्ट्स डायरैक्टली पेपर अंदर बनावेंगे वो देखो शॉर्ट ट्रिक्स ठीक है। शॉर्ट ट्रिक की है, जिहड़ा ग्रुप अपने माइग्रेट करवाया मतलब आर डैश नूं अपने की करवाया सीगा माइग्रेट करवाया सी, उहदे विच की करता ऑक्सीजन इनसर्ट करता बेसिकली। देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ ठीक है, आर डैश सी अपने को रिएक्टेंट, अपने की किया आर डैश नूं माइग्रेट करवाया सी। माइग्रेट किस तरह करवाने आप देखेंगे कि किसनों अपने माइग्रेट करवाने, जिसनों अपने माइग्रेट करवाया सी उस अंदर बेसिकली ओ इनसर्ट करता तो अपने को बन गया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। हुण आपां नूं सब तो पहला पता होना चाहिए माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कि किस ग्रुप नूं अपने माइग्रेट करवाना है ठीक है। उस लई एक सीकुएंस होंदी है उस नूं याद करनी पएगी, देखो ठीक है सीकुएंस मैं तुहाडे लिख के लेके आएंगा ठीक है, बहुत वधिया बुक चों लिख के लेके आएंगा। सब तो ज़्यादा माइग्रेशन किस दी, हाइड्रोजन दी टेंडेंसी, फिर ड्यूटेरियम दी, फिर ट्रिटियम दी, फिर 3° अल्काइल दी ठीक है। 3° अल्काइल किस तरह का होएगा अपने को लाइक ठीक है, सी सी ते की लगे हुए 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए, ये 3° अल्काइल होएगा। उस तो बाद साइक्लोहेक्साइल मतलब इस टाइप का ग्रुप नूं माइग्रेट करवा सकते आप। उस तो बाद 2° अलकाइल मतलब CH CH3 CH3 इस तरह का ग्रुप होएगा अपने को ठीक है। उस तो बाद बेंजाइल ग्रुप ठीक है, फिर फिनाइल ग्रुप मतलब बेंजीन टाइप ग्रुप ठीक है, फिर 1° अलकाइल
फिर साइक्लोप्रोपाइल, फिर मिथाइल। साइक्लोप्रोपाइल इस तरह का होंगे, मिथाइल होंगे सी एच थ्री, बेसिकली वन डिग्री अल्काइल मतलब सी एच थ्री सी एच टू टाइप। क्लियर है? ठीक है। फिनाइल के अंदर भी जो फिनाइल सपोज अपने को एक वाला फिनाइल दिता है, जो एक वाले फिनाइल से अपने को इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देता, मतलब जो इलैक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो दूसरे फिनाइल से अपन इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप देता, तो जिस दे अंदर इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग्या होएगा उसनों अपन ने की करवाना है, माइग्रेट करवाना है। जिसना जो माइग्रेट होएगा उस दे अंदर की करना, अपने ऑक्सीजन इनसर्ट कर देना है। ठीक है ना। आई होप सू वाली रिएक्शन क्लीयर होगी होनी। हूँ आप क्वेश्चन के थ्रू ठीक है समझा किस तरह आप प्रैक्टिकली अप्लाई करा इस रिएक्शन के अंदर। चलिए आप स्टार्ट कर दें क्वेश्चन। ठीक है। पहली रिएक्शन है पर एसिड की प्रेजेंस है। ठीक है। अपने को कीटोन है, पर एसिड की प्रेजेंस की होएगा ऑक्सीजन इनसर्ट करना है। ठीक है। कि मर्जी ग्रुप इनसर्ट कर दो, क्योंकि दो ही ग्रुप की ने अपने को मिथाइल ने, किसी भी आप इनसर्ट कर सकते हैं। तो अपने को प्रोडक्ट बन जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री। क्लीयर है सबनों। हूँ देखो इस केस अपने को माइग्रेटिव एप्टीट्यूड लगेगा। ए वाला ग्रुप कहड़ा है वन डिग्री, ठीक है, बेसिकली अल्काइल है, ये सिंपली मिथाइल है। तो किसान माइग्रेट करवाना होंगे अपने वन डिग्री अल्काइल में। देखो माइग्रेटिक एप्टीट्यूड वन डिग्री अल्काइल पहला सीगा, तो मिथाइल एंड ते सीगा। तो आप किसान माइग्रेट करवावे वन डिग्री अल्काइल में, मतलब ऑक्सीजन इस दे अंदर की होएगा इनसर्ट होएगा। तो प्रोडक्ट की बनना सी सी एच थ्री सी एच टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। क्लीयर है। नैक्सट केस एक ही अपने को डाइकीटोन है। डाइकीटोन के केस की बनता होंगे एनहाइड्राइड बनता होंगे, मतलब सिंपली अपने की करना होंगे बिच की कर देना होंगे ऑक्सीजन इनसर्ट कर देना होंगे। इसनों आप बोलेंगे एनहाइड्राइड। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो इस अंदर भी बेसिकली की करना अपने दो ही साइड तो सेम है, एक ऑक्सीजन इनसर्ट कर देना है। ठीक है। इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। इसनों आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो साइक्लिक कीटोन्स होंगे ने उन्होंने तो की बनता अपने को इलेक्ट्रॉन बन देगा। ठीक है। इस केस किस तरह प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। इस तरह की अपने को सैवन मैंबर की रिंग बन जाएगी। ठीक है। नैक्सट इस केस हाइड्रोजन का एप्टीट्यूड ज़्यादा होंगे, तो हाइड्रोजन के नाल की करा आप ऑक्सीजन इनसर्ट करवा देंगे, तो इस केस की बन गया बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्लीयर है। ठीक है। सोनू सिंपली की याद रखना पेगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना पेगा। इस केस एक मिथाइल हैगा, एक साइक्लोप्रोपेन हैगा। अपन पता है मिथाइल तो सब तो लास्ट होंगे, मतलब साइक्लोप्रोपेन का माइग्रेशन होगा, तो साइक्लोप्रोपेन वाले ग्रुप ना की लगाना अपने ऑक्सीजन का लगाना है। क्लीयर है। हूँ देखो नैक्सट दो बेंजीन टाइप ने गए, बट उ बेंजीन से की लगे एनओ टू ग्रुप लगे। एनओ टू ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिहड़ा कि अपने को माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नूं डिक्रीज़ करेगा, मतलब अपन साइड वाले फिनाइल ग्रुप नाल की करना ऑक्सीजन इनसर्ट करवाना है। तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह का अपन दिखाई देगा। ठीक है। नैक्सट देखो अपने को ये अपने को कीटोन ग्रुप हैगा, तो आप ठीक है ना, उरे अपने को है साइक्लोहेक्साइल है, तो उरे मिथाइल है। तो उस केस उरे आप करेंगे ऑक्सीजन इनसर्ट ई डबल बॉन्ड ओ एम ए। ठीक है। इस तरह प्रोडक्ट आपको फाइनली नज़र आएगा, मतलब जी स्टीरियो केमिस्ट्री पहला से उरे वैज से, तो जो ऑक्सीजन इनसर्ट होएगा ये भी वैज से ही होएगा। ये भी अपने स्टीरियो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू तो ध्यान रखनी है गल। ठीक है। नैक्सट देखो ठीक है वन कोमा टू डाई कीटोन है, तो इस केस की हो जाएगा ऑक्सीजन का इनसर्शन हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह प्रोडक्ट अपन दिखाई देगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है। ठीक है। इस केस फाइनल प्रोडक्ट किस तरह बन जाएगा अपने को आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर टू, मतलब वन कोमा टू डाइकीटोन के केस की बन जाता अपने को एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना। हूँ पेपर के अंदर आप किस तरह सोचा, तो पेपर के अंदर सूँ यह कोई कंडीशन दी होगी, तुम्हें सोचना सिर्फ पर एसिड का। ठीक है। पर एसिड जो सूँ ध्यान आ गया तो थोड़े ऑटोमैटिकली दिमाग च आ जाने कि बेर विलिगर ऑक्सीडेशन है, मतलब ऑरगैनिक सीखने का की तरीका है कि आपको रिएजेंट को पहचानना चाहिए, रिएक्टेंट किस तरह देगा। ठीक है। रिएक्टेंट किस तरह दिता है, रिएजेंट किस तरह दिता है। जे आप रिएक्टेंट से रिएजेंट का नॉलेज होएगा तो आप ईजली क्वेश्चन सॉल्व कर पावे। जिस तरह लास्ट क्लास के अंदर अपने बैकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ी सी, तो उस केस की होंगे अपने को ऑक्साइम होंगे, उस केस की होंगे ऑक्साइम होंगे।
ठीक है ना। ऑक्साइम के केस अपने कि रिएक्शन पढ़ी सी बैकमैन रीअरेंजमेंट। इस तरह आप सबस्ट्रेट को देख के रिएक्शन पहचान सदेंगे तो उसकी ट्रिक आप ध्यान रखनी पैनगिया। एग्जैक्ट मकैनिजम कोई नहीं करता हों, सिर्फ एग्जैक्ट मकैनिजम समझने लिए होंगे गा, ठीक है ना। उस तो अलावा अपन ट्रिक्स नाल ही क्वेश्चन सॉल्व करना होंगे गा। उस तो इलावा ठीक कई स्टूडेंट बैच का पूछ रहे थे, ठीक है अपना बैच बहुत जल्दी आएगा, ठीक है ना, केमिस्ट्री फॉर मास्टर कैडर। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखेंगे, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करेंगे, सब कुछ इंक्लूड करेंगे, ठीक कंप्लीट फुल फ्लैज बैच होएगा, ठीक बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। जिहड़े भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, पहले टैलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टैलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मैनशन है, ठीक है, उस पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन पाना रहना है, ठीक है, रिगार्डिंग अवर स्टडी मटीरियल एंड ठीक है एंड अपकमिंग वैकेंसीज वगैरह वगैरह, ठीक है ना। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।